उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर। असंख्य भक्तों की आस्था वाले इस शिव स्थान का स्वरूप अब नया रूप धारण कर चुका है। इसके भव्य कॉरिडोर निर्माण का पहला चरण पूरा हो चुका है। ये कॉरिडोर अपने आप में भव्य, अद्भुत और अविश्वसनीय है। ये कॉरिडोर बाबा विश्वनाथ के धाम काशी में बने कॉरिडोर से भी बड़ा और अद्वितीय है। कॉरिडोर को देखने वाले अभी से चमत्कृत हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी इसका लोकार्पण करने जा रहे हैं। आइए आपको कराते हैं इस कॉरिडोर के दर्शन और बताते हैं क्या है इसकी विशेषताएं। उज्जैन में ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर का नया कॉरिडोर बनाने की योजना 2019 में तैयार की गई थी। फिर 7 मार्च 2019 को इस प्रोजेक्ट के पहले चरण के तहत निर्माण कार्य शुरू हुआ। महाकालेश्वर मंदिर कॉरिडोर देश का सबसे लंबा कॉरिडोर माना जा रहा है। ये कॉरिडोर 300 मीटर लंबाई वाले बनारस के काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर से कहीं अधिक यानी 920 मीटर का है, जबकि मंदिर परिसर 2.82 हेक्टेयर से बढ़कर 20.82 हेक्टेयर का हो जाएगा। इसका पहला चरण 316 करोड़ रुपए में तैयार हुआ है। अनूठी कलाकृतियों और मूर्तियों से सुसज्जित कॉरिडोर को घूमने में भक्तों को 5 से 6 घंटे का समय लगेगा। इसमें रुद्र सागर की तरफ 920 मीटर लंबा कॉरिडोर, महाकाल मंदिर प्रवेश द्वार, दुकानों, मूर्तियों का निर्माण कार्य किया गया है। अब यात्रियों को भगवान श्री महाकालेश्वर के दर्शन आसानी से होंगे। महाकालेश्वर मंदिर कॉरिडोर में 108 स्तंभ हैं। ये स्तंभ आकर्षक लाइटिंग के साथ अत्याधुनिक कैमरों से भी लैस हैं। कॉरिडोर में 800 मीटर की म्यूरल वॉल भी तैयार की गई है। दो भागों में बने इस कॉरिडोर के एक भाग में 3-3 मीटर के दो रोड पदयात्रियों के लिए बने हैं। विशाल कॉरिडोर में भगवान शिव के अलग अलग रूप में दर्शन होंगे। शिव तांडव स्त्रोत्र से लेकर शिव विवाह और अन्य प्रसंगों को भी बड़ी खूबसूरती के साथ तराशा गया है। त्रिवेणी संग्रहालय के पास महाकाल पथ का बड़ा द्वार बनाया गया है। बीच में फाउंटेन, लाइट एंड साउंड सिस्टम भी होगा। इसके सामने पवेलियन जैसी व्यवस्था श्रद्धालुओं के लिए रहेगी, जहां बैठकर वे इस शो का आनंद उठा पाएंगे। नंदी द्वार व पिनाकी द्वार के मध्य में रुद्र सागर के किनारे दो नए द्वार बनाए गए हैं। इसमें 20,000 यात्री का आवागमन एक साथ हो सकेगा। 400 से ज्यादा वाहनों का पार्किंग क्षेत्र बनाया गया है। मंदिर के अन्य रास्तों का चौड़ीकरण किया गया है। प्रोजेक्ट में महाकालेश्वर वाटिका, महाकालेश्वर मार्ग, शिव अवतार वाटिका, प्रवचन हॉल, नूतन स्कूल परिसर, गणेश विद्यालय परिसर, रुद्र सागर तट विकास, अर्धपथ क्षेत्र, धर्मशाला और पार्किंग सुविधाओं का विकास किया गया है। इसके अलावा 23.90 करोड़ की लागत से एक फैसिलिटी सेंटर भी तैयार किया जा रहा है, जहां 4,000 श्रद्धालु एक साथ ठहर सकेंगे। लगेज और क्लॉक रूम की सुविधा भी होगी। फैसिलिटी सेंटर के नजदीक बनी दुकानों को ट्रेडिशनल लुक दिया गया है। परिसर को हरा भरा करने के लिए 1 लाख से अधिक पेड़ लगाए गए हैं।